एवरीवन, वेलकम बैक टू ई क्लास टाइम। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास सिक्स की इंग्लिश टू एडजेक्टिव्स। ओके, दैट इज चैप्टर टू है। और एडजेक्टिव्स में नाउ इसमें हम लोग पोजीशंस भी देखने वाले हैं, बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन लाइक व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एज यू सी इट ऑन द ऑलरेडी बींग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ओके, एडजेक्टिव्स क्या है? एडजेक्टिव्स दैट मॉडिफाइज। ओके, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रनाउन। ओके, जो कि नाउन और या फिर प्रनाउन को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, आप लोगों को बड़े मजे से समझ में आ जाएगा। मान लो कि मैं कहता हूँ, आई इफ आई से देर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, एक किताब टेबल के ऊपर है। क्या आपको पता चलेगा कि कैसा किताब है? नहीं पता चलेगा, भले ही बुक नाउन है। ओके, नाउन है, बुक बोल दिया तो किताब है, वो वहाँ तक पता चला कि किताब अब कैसा है, बड़ा किताब है, छोटा किताब है, कुछ भी पता नहीं चला। पर नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे सिर्फ बुक कहा था। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, जैसे कहता हूँ देर इज़ सॉरी द न्यू बुक इज़ ऑन द टेबल। पहला वाला में द बुक इज़ ऑन द टेबल, दूसरा वाला में द न्यू बुक इज़ ऑन द टेबल। अब क्या पता चलता है कि किताब नया है, मतलब ये जो नाउन है। ओके, ये जो नाउन है, नाउन का कुछ क्वालिटी पता चला। क्या क्वालिटी है उसका? नया होने का। हाउ डिड वी नो? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड न्यू, के वजह से। ओके डियर फ्रेंड्स, मान लो कि हम कहेंगे कि कहीं वहाँ पे पेड़ पे आम है। सिर्फ आम है बोलने से आपको पता नहीं चलेगा, अगर बोलेंगे वहाँ पे पक्का आम है, ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि आम वहाँ पे पक्का वाला है, कच्चा वाला नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग नाउन के बारे में, जो भी वर्ड नाउन के बारे में या फिर प्रनाउन के बारे में कुछ भी कहता हो, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो वर्ड्स लाइक न्यू, बिग, ओल्ड, टू, नंबर में भी आ जाते हैं कभी कभार। तो ओके, नंबर में देर इज़ वन बुक, देर इज़ द टू बुक्स आर ऑन द टेबल। टू, यहाँ पे टू भी हो गया आपका एडजेक्टिव। ओके, थ्री, फर्स्ट, जो फिर फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। ओके, वो सब भी आपका एग्जांपल हो जाते हैं नाउन के लिए। ओके डियर फ्रेंड, सॉरी एडजेक्टिव्स के लिए। सो ये सब रहा आपका एडजेक्टिव, फर्स्ट, सेकंड, ये सब। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडजेक्टिव। अब लेट अस ट्राई टू सी कि एक सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस है, ओके, ये जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन से जगह में होता है, एडजेक्टिव को हम लोग कहाँ ढूंढने से पाएंगे। हाउ शैल वी फाइंड द एडजेक्टिव और वेयर शैल वी फाइंड द एडजेक्टिव, उसको अभी देखने वाले हैं। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट में देखेंगे पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव। ओके, उसको कहते हैं पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहाँ पाते हैं उसको देखने वाले हैं, तो उसे वही पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव। ओके डियर फ्रेंड्स, सो पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव हम इसमें नंबर वन, नंबर टू, नंबर वन नंबर टू करके दिए हैं। ओके, सो पहला नंबर में क्या दिए हैं? बिफोर नाउन। ओके, बिफोर नाउन मतलब नाउन से पहले। एक एग्जाम्पल दिया गया है, बड़ा मस्त है। उसमें क्या लिखा गया है? द ब्राइट एंड अलर्ट स्टूडेंट्स आंसर्ड क्विकली। इसमें क्या कहा गया है कि स्टूडेंट आंसर को क्विकली करता है। ओके, क्विकली आंसर देता है। कौन? स्टूडेंट करता है। कैसा स्टूडेंट? अलर्ट वाला स्टूडेंट और ब्राइट वाला स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट कैसा है? अलर्ट है, ब्राइट है। ओके, सो किसके बारे में कहा गया? स्टूडेंट के बारे में। क्या होना? अलर्ट होना और ब्राइट होना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? नाउन क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट के पहले, बिफोर नाउन, तो नाउन से पहले क्या आ गया आपका? क्वालिटी, एडजेक्टिव्स आ गए। दैट इज़ व्हाट? बिफोर नाउन। और एक एग्जांपल मजे से दिया गया है, द न्यू बुक इज ऑन द टेबल। इसमें क्या है? नाउन कौन सा है? बुक है। ओके, तो उसका उससे पहले न्यू लगा दिए, तब पता चला कि ये न्यू के बारे में, बुक के बारे में कहा गया है। ओके डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज बिफोर नाउन। दूसरा वाला ऑप्शन है, इट इज आफ्टर, आफ्टर द बी वर्ब। बी वर्ब कौन सा वाला है? एम, इज, आर, वाज, वेयर, ये सब आपका बी वर्ब है। ओके, दिस आर द बी वर्ब्स। आफ्टर द बी वर्ब वी कैन फाइंड द एडजेक्टिव समटाइम्स, वो भी नॉन एक्शन वर्ब्स। ओके ओके, इन द फॉर्म ऑफ नॉन एक्शन वर्ब्स, वो नॉन एक्शन वर्ब के बाद में। और वो नॉन एक्शन वर्ब्स लाइक फील, सीम्स, अपीयर्स, ये सारा जो वर्ड है
नॉन एक्शन। नॉन एक्शन मतलब वो काम के लिए, वर्ब का मतलब काम होता है, ओके, एक्टिव वर्ब। पर इसमें नॉन एक्शन मतलब जब सेंटेंस में लिखा जाता है उसका कोई मतलब नहीं रहता है, उसका कोई काम नहीं रहता है, ओके, बस उसको यूज़ करते हैं, पर मेन फोकस तो कहीं और पे होता है। सो दैट इज़ व्हाट एग्जांपल दिया गया है, द रोड, ओके, द रोड सीम्स लॉन्ग एंड डस्टी। अब रोड कैसा है, लंबा है और डस्टी है, और इसमें सीम्स लगा दिया है, बट सीम्स का कोई खास मीनिंग नहीं है, बस रोड लगता है ऐसा मीनिंग से आया हुआ है, ओके। सो हियर द वर्ड सीम्स इज द नॉन एक्शन वर्ब, और सीम्स के बाद में आफ्टर सीम्स, ओके, नॉन एक्शन वर्ब या फिर बी वर्ब, ओके, सो उसके बाद में लॉन्ग एंड डस्टी। दिस लॉन्ग एंड डस्टी इज़ फॉर द रोड, रोड के कैरेक्टर के बारे में, रोड के क्वालिटी के बारे में कहा गया है। सो रोड कैसा है, लॉन्ग है, डस्टी है। सो आफ्टर द बी वर्ब, ओके, आफ्टर द बी वर्ब द और एल्स नॉन एक्शन वर्ब वी कैन फाइंड द एडजेक्टिव समटाइम्स। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, नाउ यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, द वार्म अप पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर का जो वार्म अप पार्ट है, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, द आंसर्स ऑफ इट, एंड ऑल्सो आई हैव गिवन यू द ए पार्ट, सॉरी एक्सरसाइज ए, दैट इज ऐड द सुइटेबल एडजेक्टिव्स टू कम्प्लीट, ओके। सो यू कैन सिंपली पोस्ट द वीडियो एंड कॉपी डाउन दिस आंसर्स, वट एवर यू सी इट ऑन द स्क्रीन, नो, दिस आंसर्स यू कैन कॉपी डाउन स्लोली, ओके, वन बाय वन, राइट। एंड if you wish to look into the reading of these sentences, I have already uploaded one video prior to this. You will find it in the playlist, okay, by name the chapter 2 adjective solutions, like that you will find. You can take it from the playlist also if you wish to look into the explanations part. Otherwise, we shall continue in this chapter with the kinds of adjectives, I mean types of adjectives, kinds of adjectives. Okay, dear friend, that's all. Thank you.